ये किसानों पर आक्रमण है, और अगर कोई भी हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करता है तो पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, वो बड़ा फटा, सीधी सी बात है। इसे बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई चारा नहीं, वो भी फंसे हुए, क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है, वो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में। एक्चुअली मैं पिटी करता हूं उनको, तो फंस गए हैं, क्या करेंगे। प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है, सीधी सी बात है। किसानों को यह सब बात समझ आ गई है, किसानों के दिमाग में घुस गई बात, युवाओं के दिमाग में अभी नहीं घुसी, काफी लोगों के दिमाग में नहीं घुसी, घुस जाएगी। देखिए तो छोटे व्यापारी उनसे जाके पूछिए देश को कौन चला रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा, 3-4 उद्योगपति चला रहे हैं, वो सब जानते हैं।